नहीं के दिल में हमेशा बहुत खुशी आई, कभी तरसते रहे और कभी बहुत आई, सहूलियात से महरूम लोग आज भी हैं, मगर खुशहाली यहाँ कागजी बहुत आई। और छुप जाओ तारे अजदियात, महंगी हो गई पेट्रोलियम मसनुआत, ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, भैया महंगाई कौन कम करेगा। भैया हुकूमत बेहतर करे अपनी कारकर्दगी। तशरीफ ला रहे वासु चौधरी। हमारे प्यार देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं सारे? माशाल्लाह, वही नूरानी चेहरे। कैसे लकी हैं, मेरी बास्केट भी पूरी आ गई। डाकर साहब बड़े जहीन आदमी जी। कसम से ऐसे जहीन बस से जा रहे, बस दरिया च डिगी है, दरिया च भी हर बंदे का मुंह फड़ के चेक कर रहा, डुब भी रहा तो चेक कर रहा। मैं क्या डाकर साहब की कर रहे जे तुसी? कहंदे यार कंडक्टर लभ रहे हां तो किराया लेना सी। ठाकर साहब एक दुकान से जा कहते जी अखबार दे दो। दुकान वाला कहना अखबार की करनी? वो टच मोबाइल लै जी मर्जी खबर पढ़ी तो सोचने लग पे। कहते की सोचन? क्या मैं सोचन डा खबर तो पढ़ लाँगा, वो रोटियां कि लपेटांगा मैं। ठाकर साहब नस के पुलिस स्टेशन गए वैसे भाई ताकि मेहरबानी मैंने हवाला च बंद कर लो। उन्हें क्या होया कि कहते मैं अपनी बीवी के सिर च डंडा मारिया। ऐसा चो कहना बीवी मर गई? कहते नहीं, हूँ उन्हें मैनू मार देना। आपने हिबा से नहीं पूछा? हिबा तो माशाल्लाह स्मार्ट हो गई है। हाँ, जिम ज्वाइन की हुई है, वर्कआउट कर रही है। तो सारे जिम जान लग पे, काम ते कोई भी नहीं जानता। मैं भी गया जिम सर। हाँ तो सफाई करके वापस आ गए। जब बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, कराची तशरीफ लाई हुई है, एक्टर है, मॉडल है और पेंटिंग पढ़ी थी इन्होंने, मोहतरमा जिनान हुसैन। कर रहे थे जिम का, तो हमारे दूसरे मेहमान का ताल्लुक जिम से है? नहीं, उनका अपना नहीं है, मगर वो मॉडल हैं और बहुत ही जबरदस्त फिजीक के मालिक हैं। आप सब की तालियों में जनाब वलीद खालिद। शो सर, बहुत शुक्रिया सर। ये इनिया रगड़ा पहले ही खा आए हो। एक शेर लाया हूँ सर दोनों के लिए जी। कोई अटका हुआ है पल शायद, वाह वाह, कोई अटका हुआ है पल शायद, वक्त में पड़ गया है बल शायद, चांद डूबे तो चांद ही निकले, आपके पास होगा हल शायद, दिल अगर है तो दर्द भी होगा, दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका कोई नहीं है हल शायद। वाह 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 वाह। ओ मेरे नाल इट खड़का लांदी है, ओ मेरे नाल इट खड़का लांदी है, गूंगी है पर फिर भी गजलां गांदी है, मेरी बेगम मिन्नू चन जी कहंदी है, अन्नी है पर फिर भी कज्जल पांदी है। मेरी आंखों के सामने तेरे हुस्न का जाल है, आए, आए, तेरी हर एक अदा में कोई ना कोई कमाल है। एक बात आपसे पूछ रही थी जनान, पूछो। नेचुरल ब्यूटी है कि मेकअप का कमाल है? गरीब जहा बन के ना पार्टी पेंटा पा के। मैं इधर अकरम उदास ही, उधर दो ने। डॉक्टर साहब ये फैशन है, वलीदा बताइए ना इनको। हाँ जी। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं किसी गेस्ट की हैसियत से नहीं आया, इन सब के ड्रामे देख के मैं भड़ा हुआ हूँ। गाड़ी क्यों भिजवाई? गेस्ट के हैसियत से क्यों नहीं, आप गेस्ट हैं भाई। नहीं नहीं, मैं इनका फैन हूँ जी, मैं बचपन से इनके ड्रामे देखता आ रहा हूँ। हम आपको बाहर मिलवा देते हैं।
आपने भी शो देखा हुआ है कोई, यानी कि आप तैयार हैं मेंटली? सख्त सख्त चिमड़ खा गया है इस शो के लिए जरूरी था नहीं, मगर क्या मतलब आपकी परसेप्शन क्या थी शो पे आने से पहले? झुकते शुकते बस ये परसेप्शन, अब देखते होता क्या आगे। उन्होंने आके हमें काफी इजी करा दिया था, उन्होंने कहा वो हमारी साइड पे है तो फिर हम इजी हो गए थोड़े। इन्होंने कहा, इन्होंने ठाकुर साहब ने कहा, उन्होंने अपनी साइड नहीं लगा कैसा मरी जुई वर्गा मुंह कर लिया उन्होंने यार। ऐसे नहीं, वो गेस्ट आए हैं उनके सामने, मेरे लिए तो काबिल एहतराम है गेस्ट, है ना, काबिल एहतराम है। और आपको पता है कि पेंटर है वो? क्या बात है, इन्हें टेंट से मैं खोता बनाना सी। मगर बताइए आप कौन सी पेंटिंग आप करती हैं? ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग्स करती हैं एंड मोस्टली पोर्ट्रेट। अरे वाह, पोर्ट्रेट बना लेती हैं वो भाई, जब फ्री हो उल्लू भी बना लेती हैं। ये आपको कैसे पता? मैं इन्हें फॉलो करता हूं, ये जा रहे सन, मैंने फॉलो कर रहे थे, मैं दरवाजा आज खोल के मैंने कहा हाय, तीन भरावों ने इशारा किया उन्होंने वो फॉलो किया। मगर वैसे आप पोर्ट्रेट बनाती हैं? हाँ। और कितनी देर लगती है आपको एक पोर्ट्रेट बनाने में? अजनबी वो वाली नहीं हूँ ना जो बस देखा और बना शना लिया टाइप, मुझे जरा टाइम लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है कोई अच्छा? अगर आपको चॉइस मिले पोर्ट्रेट बनाने की कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनके, हाँ। तो आप किसकी पोर्ट्रेट बनाना चाहेंगे? नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बुरी बनेगी उसको। अच्छा नहीं, आप मान भी रही हैं कि आप बुरी बनाती हैं? हाँ, तो अपना टाइम लेती हूँ मैं फिर। मगर आप जितना टाइम लेती हैं आप उतना ले लें अगर, तो स्टिल एज एन आर्टिस्ट व्हिच फेस डू यू थिंक यू वुड वांट टू ड्रॉ? देखिए फॉर मी टू पेंट समथिंग आई नीड टू फॉल इन लव विद इट, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू यू नो इंस्टेंटली फॉल इन लव विद एनी of the people there. तो बड़ा एक अजीब सा, you have to fall in love with, मतलब the idea or a face or a person or a personality or anything, कोई जज्बात हो तो तब बंदे के। मगर इस तरह तो आप फिर बहुत कम पेंटिंग्स बना पाएंगे जिंदगी में। ऐसा ही, ऐसा ही है। मतलब पोर्ट्रेट स्पेशली, पोर्ट्रेट तो यूजुअली आर्टिस्ट काफी लोगों की जिंदगी बना लेते हैं, तो आप इतने ज्यादा प्यार तो नहीं हो सकते? प्यार तो क्यों नहीं हो सकते, सिर्फ एक तरह का प्यार थोड़ी होता है, डिफरेंट तरह का प्यार भी होते हैं। ऐसे चेहरा अगर आ जाए आपके आड़े आ जाए जिंदगी में, ये जो प्यार नहीं फिर नफरत ही होगी, नफरत। देखिए कोई जज्बा होना जरूरी है, नफरत भी एक जज्बा है ना। अच्छा, तो जज्बे के तहत आप ये जज्बे के तहत मैं बना लूंगी, मैं जानना थोड़ा जरूरी है, आज शो के एंड तक पता मुझे लग जाएगा। इनका आप क्या बनाएगी, इन्हें तो मैं इंतकीमा कर दियो खुदा, वो चीज इन्हें दी बना दियो, मैं चिड़ी बना दूं, लैदा आधा किलो ले आ दूंगा, मेरा जरूर करा लूंगा। मगर वैसे ये बताएं मुझे कि क्या कोई इसमें होती है कि कोई चेहरा आसान हो वो बनाना, या ऑफ कोर्स ऐसा होता है? ये कैसे गेज करते हैं आप? मतलब मुझे तो शुरू में सब कुछ ही वैसे मुश्किल लगता है सच बताऊं तो, लेकिन देन मैं बैठती हूं देखती हूं, अगर पिक्चर किसी की बनानी हो तो फिर उसके प्रॉपर मेजरमेंट्स वगैरह लिए, ग्राफ बनाया कैनवस पे, उसके बाद जाके ट्रांसफर की पेंटिंग, दैट्स हाउ आई डू इट। कुछ लोग होते हैं बहुत जो अच्छे वाले आर्टिस्ट, खैर लाजमी नहीं है कि अच्छा आर्टिस्ट हो तभी वो इमेजिनरी या फिर सामने देख के बना ले, हर एक की अपनी टेक्निक्स होती है। जिस तरह खूबसूरत किसी बंदे की तस्वीर बनाते हैं ना, बड़े सोच समय के पेंसिल फड़ के ते ये वो ते ते बड़ा फेर बांधी अकरम साहब की बनानी हो, मैंने चूना फड़ के दूरों ही कान ते मार दे वो बन जाती है, बड़े अच्छे बन जाती है तस्वीर। आप ये बॉडी कितने अरसे से बना रहे हैं? सर काफी देर हो गई है, कितनी देर? 15 साल का था तब से। 15 साल के थे तब से बना रहे हैं, तो अब मुझे पूछना पड़ेगा कि आप कितने साल के हैं? मैं 29 साल का। 29 साल, तो 14 साल से अगर इंसान जिम जाता रहे तो ऐसा रिजल्ट निकल सकता है? इससे बेहतर निकल सकता है, मैं ऑन ऑफ बीच में, क्योंकि आप कंटिन्यूस नहीं कर पाते जिम, और ऐसी रूटीन होती है, शोज हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो मिस हो जाता है, लेकिन इससे बेहतर बना सकते हैं। पैसे तुम जिम ते लाते, 350 की पेंट नमी क्यों? इतनी कोई डिजाइनर पैंट होगी जिसको उन्होंने पकड़ के इतना ज्यादा वो कर दिया खराब, आप बताइए ना उनको। केड़ी डिजाइनर पैंट तियां पहना से जा ही नहीं सकते यार, ये एयर कंडीशन के लिए है। अच्छा, एयर कंडीशन के लिए एयर कंडीशन, ये धोती बन लो। एक्चुअली नहीं, हवा के लिए आपने यहां से? नहीं सर, ये तो आपके बतावासे भाई, हवा नहीं। मैं तो कभी ना फटी हुई पैंट पहनी। कभी नहीं पहनी आपने? नहीं एक्चुअली मैं कभी नहीं। चलो, अगर मैंने फटी हुई पहननी तो मैं पिछली वाली क्यों छोड़ू? तो जींस एक ही लेते हैं, वो देर तक चलाते नहीं, वो वाली लेते हैं जो पूरी हो, मतलब अगर मैंने पैसे पूरे दिए तो फिर मुझे जींस भी पूरी मिले। मसलन ये हमने मुंडे के से ब्याह तक चल जाना, लाड़े का प्यो भरा नु कह रहा है शर्मिंदगी ना है यार, रिश्तेदार नहीं मुंडा नचण आया। मैं इसके लिए पैसे रेडी हूँ, प्रॉपरली रेडी हूँ। मगर ऐसा कभी हुआ वैसे किसी शादी पे? नहीं, इतना मौके नहीं देते, पहले ही नाच लेते हैं ना, ताकि अगले वाला कुछ कह ना सके। ये भी ठीक है। अच्छा, नाचने वाचने का शौक भी है?
नहीं इतना नहीं, कभी कभी बार अगर बहुत क्लोज का अगर कोई है रिलेटिव तो फिर उसके जब दिल से नाच आ रहा हो तो आप कर लेते हो मौके पे डांस कर दे वैसे भाई कि तो रुखसती हो रही होवे ना तो दुल्हन दुल्हन दे आगे जाके अभी नहीं जाना ये देख के जाना ये देखो यार कैसे भाई बंदे बहुत अच्छे हैं इन्हें भाई निकाल मतलब यार अगर उसको है शौक तो कर सकता है डांस इसमें ही बड़ी जी आप में मेरे में सिर्फ कपड़ों का फर्क है यकीन माने अच्छा जी लेकिन आपको इस्लाम है जो घर वालों के सामने इज्जत कपड़ों का नहीं है माशाल्लाह एक आपकी जो फिजीक है एक आई एम श्योर सिक्स पैक चेक भी आपने रखे हुए हैं अभी तो वन पैक बना हुआ आजकल आपके वन पैक है मेरे इधर 18-19 पैक है जिम होता है मगर नहीं आप वो देखिए उनका और आप वैसे भी आपकी माशाल्लाह लुक देखें आप अपना बाइसेप देखें इतना पूरा उनका मुंह है जितना आपको बाइसेप है बाइसेप मेरे बाइसेप काफी ज्यादा है नहीं उनके बाइसेप की बात कर रहा हूँ उनके बाइसेप जितने भी मेरे बाइसेप आपको पता भी है बाइसेप क्या होता है बाइसेप हेडा भी नहीं पता डोले हेडे हेडे जो भी खाएं घर का खाना सबसे बेहतरीन है क्योंकि बाहर तो मसाले और इस तरह की चीजें नान वान खा के आप नहीं मगर अगर घर में 3 प्लेट सालन और 10 रोटियां खा जाए एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी हजम हो जाएगा लेकिन अगर आप खा के बैठ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं चलता साइज एक्सरसाइज क्या करें ना ये तो बताइए हमें एक्सरसाइज करें आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं आप वॉक कर सकते हैं घर के अंदर अगर बाहर जिम नहीं जा सकते जो लोग जिनके लिए मुश्किल होती है आप बाहर घर के वॉक कर लें गली में वॉक कर लें स्टेयर्स चढ़ लें पुशअप्स होती हैं बहुत से ताड़ियां गलियां ऐसी हैं ना कोई पूछता नहीं है तो दूसरी वाली गली जो लंगे थे औरतें पूछने लगती हैं किधर फिर आने में चल दफा होगा कहती हैं थे हम जो आया ना तो अकरम वंगू तेरी भी टेंड कर दें हां जी सानू कहंदे होंगे सानू नहीं कहंदे सर लेकिन ये तो जरा फिटनेस क्योंकि मैं चाह रहा हूं माशाल्लाह भी एज तो 27 है लेकिन लगता है 29 है हां जी वो अपनी बता रहे हैं अच्छा आपकी 20 कैसे साहब मैं तन्नू बचपन से देखता आ रहे हैं क्यों हो गए सर बहुत जताते हो चाह हमसे मिलेगी एक सर्द आह हमसे कहाँ है वादे कहाँ है दावे चुराओ ना यू निकाह हमसे जो बढ़ती जाएगी यूं ही गुर्बत तो मांगोगे तुम पनाह हमसे आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जिनान आप तो एक्टिंग भी कर रही हैं जी सर आप एक्टिंग करना चाहते हैं बिल्कुल प्लान है मेरा जी क्या करना चाहते हैं ड्रामा फिल्म किस किस्म का एप्टीट्यूड है आपका वासी भाई वैसे तो जितना ड्रामा से सीखते हैं वो मूवी से नहीं सीखते क्योंकि हिट एंड ब्रेक है अगर हिट हो गई तो ज़बरदस्त है अगर मूवी अगर ज़ाया हो गई तो फिर आपको दूसरा रोल बड़ी मुश्किल से मिलता है लेकिन ड्रामा में आपको मार्जिन मिल जाता है हर एपिसोड में आप बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं ऐसा ऐसा एक्टिंग बेहतर हो जाती है सिखाने वाले काफ़ी हैं लेकिन मूवी से थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि वो सब ये कहते हैं कि जब एक्टिंग आपको प्रॉपर आती हो फिर तब भी करनी चाहिए तो यार अगर एक्टिंग सीखनी है तो उसके लिए थिएटर भी करना चाहिए आपको बिल्कुल yes. आपके पास आऊंगा ना मैं नहीं मेरे अलावा थिएटर मतलब थिएटर नहीं नहीं वैसे जो आप यू नो यू शुड गेट इनटू थिएटर प्रोडक्शंस बिल्कुल वहां से आप जितना अपना क्राफ्ट पॉलिश कर सकते हैं मेरा नहीं ख्याल कहीं और से करेगा आप नहीं करती हैं बिकॉज़ मैंने शुरू ही थिएटर से किया था तो वो काफी आपकी आवाज और आपकी एक्टिंग आपकी बॉडी सब प्रॉपरली आप कर सकते हैं तो ये आपकी वहां से आवाज सही हुई जो कि इवेंचुअली सिंगिंग में तब्दील हुई नहीं मेरी आवाज बचपन से ही काफी जोरदार सी थी मैं डिबेट करती थी काफी ज्यादा स्कूल कॉलेज में भी आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग ऑन स्टेज यू नो तो वो उस वजह से बचपन से और ज्यादा शौक सिंगिंग का है एक्टिंग का बड़ा मुश्किल सवाल है ये है ना बहुत मुश्किल सवाल है दोनों का एक जितना तीसरी को दोनों एक पेंटिंग अच्छा पता है ये सब मैं एक एक जितना करती हूँ और इन सारे आर्ट से मुझे एक एक जितना ही प्यार है सीरियसली अच्छा ज्यादा आसान क्या लगता है सिंगिंग एक्टिंग या पेंटिंग नहीं आसान नहीं है इनमें से कुछ भी अच्छा ना मेहनत करनी पड़ती है खूब सारी बातें मेहनत होगी मैंने आपको पर्सनली क्या ज्यादा पसंद है करना अच्छा पसंद अगर बहुत ही आप कहें तो फिर सिंगिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बहुत दिल खुश होता है मेरा गाना गा सिंगिंग आपको ज्यादा खुशी होती है करके बहुत खुशी होती है तो आप खुश होना चाहेंगे अभी व्हाई नॉट तो क्या ख्याल है सिंगिंग कुछ सुनी जाए सुननी चाहिए लेकिन पता है गाने में सैड सैड से ही गाती हूँ पता नहीं क्यों बचपन से ना क्यों अल्लाह ही जाने बस मजे के लगते हैं मुझे बड़े क्यों बचपन से ही मसला बचपन से मसला है मेरे में क्या खुशी का कोई वो नहीं है अब यार नहीं कम ही तो आपके हस्बैंड जो है वो भी कोई शिकवा करते हैं कि खुदा के लिए कभी तो खुशी का गाना गा लिया नहीं बुरी तो मेरे साथ हुई है तुम क्यों रो रही हो कोई ऐसी कोई बात की उन्होंने करते हैं पॉइंट बड़े मारते हैं लेकिन उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि मुझे बड़ा शौक था कि मेरी शादी जिससे हो तो वो अच्छा गाना गाती हो अच्छा ये पहले नहीं बताया था हालांकि हम दोस्त भी थे पहले तो मैंने कहा चलो अच्छा गाना तो फिर कैसा भी गाना उनको फरमाइश पे सुनाती हैं आप गाना नहीं बिल्कुल नहीं
तो फायदा क्या हुआ उनको? बस अपने जब दिल करता है तब गाती हूँ। नहीं तो फिर उनका तो काम वहीं का वहीं रह गया। बीवी तो बीवी है ना, ऑर्डर तो बीवी का चलेगा। हाँ, तो और? आपको कैसे पता? मेरे घर में भाई बहन की शादी हुई है ना, तो आइडिया हो जाता है आपको, देखे किसकी चलती है किसकी। तो आपकी वैसे नहीं हुई है सर? अभी नहीं, सिंगल तो है सर। क्यों ऐसा क्या? मैंने कहा अभी इंजॉय कर लेते हैं, बाद में शादी तो करनी पड़नी है। कब तक प्लान घर ना प्लान क्या है? प्लान है कि बीवी भगा दे, डंडे पकड़ के भागो यहाँ से। किधर से भगा दे? फैन मिलते हैं अगर आप बीवी के साथ कहीं खाना खाने गए। अच्छा, फैंस के डर से आप शादी नहीं कर पा रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ बीवी के डर से। फैन के, फैन से कौन डरता है? बेचारे फैंस निकल जाएंगे ना फिर तो, यानी कि इस डर से आप अपने फैंस को बचाने के लिए शादी नहीं कर पा रहे। कितनी बड़ी बात है, कितने डेडिकेटेड आपके सेलिब्रिटी हैं कि वो अपने फैंस के लिए शादी नहीं कर पा रहे। ये चले, अब अगर आपके मियाँ सैड गाना सुनते हैं तो फिर हमें भी सुना दें, हम क्यों रह जाएं पीछे। की हाल है? कोई हाल नहीं। टड़ी वर्ल्ड कप जीतांगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी, मजे आ जाएंगे जिंदगी च। प्लेयर ने दिल खुश कर देता है सब, कानून आके ते दूजी टीम केड़ी ही भला? न्यूजीलैंड। आए देखदे जे देखदे बाबर आजम सब तो अच्छा खेल रहे। अरे बाबर आजम तेरिया खैर, इशारा तोड़े तेरा कदी ही चलान ना होवे। आमीन आमीन आमीन। बाबर आजम तेरिया खैर, तेरे घर डाकू हूं अपना पर्स भी तेन दे। वन विलिंग करे कभी तेन सार्जेंट ना रोके। मंगल आले दिन भी गोश्त लैन जावे, दुकान खुली मिले। तेरे घर पुत्र होवे पहले दिन ही चौके चके शुरू कर दे। बाबर आजम तेरिया खैर, भाई चंगा है गाना मेहरान ते बैठे तेन लैंड क्रूजर का मजा आवे। फिल्म देखने जावे हाफ टाइम ते पहली बोतल तेन मिले। हफीज तेरिया खैर, हफीज तेरिया खैर, वर्ल्ड कप नु इंज पाया जिवें साइकिल चोर नु छित्र पैंदे ने। आमीन आमीन आमीन। लेकिन हफीज वर्ल्ड कप नु इंज पाया जिवें एसी कोच नु रक्षे पैंदे ने। वर्ल्ड कप नु इंज पाया जिवें गर्मियां च मच्छर पैंदे ने। वर्ल्ड कप नु इंज पाया जिवें लोहरी खोता बिरयानी नु पैंदे ने। रोज जावे तेरी इज्जत च कमी ना आवे। सरफराज तेरिया खैर, मिट्टी नू हाथ लावे सोना हो जाए। आमीन। बिल्ली नू हाथ लावे शेर हो जाए। यार करप्शन 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 है ना, हर पासे करप्शन है। इंज वेखो करप्शन है, इंज वेखो करप्शन। ओए घर दे विच करप्शन, दुकानां च करप्शन, दफ्तरां च करप्शन। कोई नैब दा बंदा वाकफ है? क्यों? मैं अपनी बीवी दा पर्चा कराना है। मेरी बीवी भी करप्शन करदी है। क्या मतलब? यार उन्हें मैं गोश्त दे पैसे दे के जाना। हां, ओ कद्दू पका के बैठी हूं रोज कद्दू रोज कद्दू रोज कद्दू रोज कद्दू। कद्दू खुआ खुआ के मेरे मुंह में कद्दू वर्गा कर देता है। और मैं क्यों करनी है करप्शन? उन्हें जिन्ने पैसे तुसी दे के जांदे हो ना, एदा गोश्त नहीं आ सकता,
ਕੱਦੂ ਆਉਂਦਾ ਕੱਦੂ। ਅੱਛਾ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਪਕਾਏਂਗੀ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਮ ਖਾਬ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ। ਤੂੰ ਕੱਦੂ ਤੇ ਕੱਦੂ ਕੱਦੂ ਤੇ ਕੱਦੂ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦਾਦ ਕੀ ਕਰੇਲੇ ਵਰਗਾ ਖਾਵਣ ਦਾ ਤੇ ਕੱਦੂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਣਾ। ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਕੱਦੂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੱਦੂ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਡੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਕ ਬੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਹੇਕ ਬੋਟੀ ਤੇ ਕੱਦੂ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹਾਂਡੀ ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਟੀ ਗਾਇਬ। ਹੈਂ? ਉਹ ਬੋਟੀ ਗਾਇਬ ਕਿਧਰ? ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਗਸੋਨ ਮੈਂ ਬੋਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪ ਪਾਪਾ ਹੋਕਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਬੋਟੀ ਨਿਕਲਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਢਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਟੀ ਕੱਢਾਂ। ਅੱਛਾ ਖਾਧੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਟੀ, ਵੇਖ ਕੋ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਬੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੋਅ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ? ਓ ਸੈਂਟੀ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਜਾਨਾਂ ਜੀ, ਓ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਆਪ। ਉਨਕੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 60 ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ। ਅਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਖਾਬ ਚ ਵੇਖ ਲਈ। ਪਾਗਲਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਚੁਆ ਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਤੇ ਸਹੀ ਸੈਂਟੀ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਜਾਊ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਫਿਲਮ ਉਹਦੀ? ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਤੀ ਅਭੀ, ਕੈਸੇ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਹਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨੋ, ਮਾਸ਼ਰਤ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਉਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ 500 ਡੰਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਸ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਾਰ ਸੇ ਦੇਖੋ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਲੀਦ ਵਲੀਦ ਜਾਣਨਾ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ 1854। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਆਸਮ ਅਜ਼ਰ। ਆਸਮ ਅਜ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਿਸ ਕਿਸ? ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਵਲੀਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਮੈਡਮ ਸੇ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ ਯੂ? ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ। ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی۔ عجیب و غریب کیا ہے جی؟ آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ دلہا خود اپنی شادی پہ موجود نہیں ہوتا، جبکہ اس کی بہن دلہا بن کر اپنے بھائی کی بارات لے کے جاتی ہے اور شادی کی ساری رسمیں
खुद दुल्हे की तरह अदा करती है और फिर अपने भाई की दुल्हन को घर ले आती है। वाह वाह, निकाह का पूछता हूं ना, कुड़ी कबूल है? कहंदी नहीं, मेनू नहीं, मेरे भाई नू कबूल है। अजीब सी बातें इससे, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा। और डरा दिया आपने, ऐसी अजीब और गरीब चीजें हो रही है ना। तो फिर जनान उनको कोई बेहतर बात बताइए, आप डरा रही है मजीद। नहीं यार, उन्होंने डराया, उन्होंने डराया, मैंने थोड़ी डराया। वो तो खैर छोड़ दो, उनका तो काम ही डराना है। मगर वैसे कोई पॉजिटिव्स बताइए उनको। नेगेटिव बता दो, आसान होगा, आसान होगा। नहीं नहीं यार, मेरा शौहर बेचारा बड़ा अच्छा है। नहीं पॉजिटिव वो बेचारा है ना, वो अच्छा है। आपने क्यों कहा? यार मासूम सा मेरा शौहर है, अच्छा सा। आप कॉन्फिडेंटली कहें कि वो मेरे, देखिए आपने कहा है कि कुछ पॉजिटिव बताऊं, तो मैं तो बीवियों की साइड से बताऊंगी ना, तो मैं क्या खुद से अपनी अब औरतों की या लड़कियों की तारीफें करूंगी, कितनी अच्छी होती हैं बेचारी। जमाना है आजकल, खवातीन अपनी खुद मुंह से बताइए। मैं नहीं कर सकती ना यार, ये तो फिर अजीब बात होगी। आप खातूनों के नहीं बता पा रही हैं? नहीं, वो पहले ही एक लड़का घबराया हुआ है। आप वासे भैया वैसे कहते हैं कूद जा खैर है देखी जाएगी, ऐसा कह रहा है वो। जिन खवातीन तो बताए ना आप, जो मर्जी कर लो, शादी ना करना, खुदा दवा। जिंदगी एक जंग है, जब तक बीवी संग है। शाके ना कर दिए, किथे जे किधर जे तुसी, मैं जुमा पढ़न आया। आ मेरी मौली साहब ने गल करा। हमारा एक सेगमेंट 2020 का, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप उसके जवाब देने होंगे। ऑप्शंस में से ही निकालना है, कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे, हाँ। तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट में जा सकते हैं। okay. ये आप लोगों की कॉल होगी, ठीक है? सो स्टार्ट आपसे करें जनान। कर ले। ये बताइए, हाँ। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं। अच्छा, किसको कॉल करना चाहेंगी इनमें से बोरियत किल करने के लिए? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ। आई थिंक आई वुड कॉल आसिफ अली जरदारी, सिंस ही इज, आई थिंक दैट ही इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन। ठीक है, जरदारी साहब से बात करना चाहेंगे। ठीक है, सो आई विल आस्क हिम क्या सीन है, कैसे करते हैं। ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। आप रोज सुबह उठेंगे, आपकी नजर उस तस्वीर के ऊपर पड़ेगी। किसकी होगी वो तस्वीर इनमें से? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं आमिर लियाकत और साहिर लोधी। देखिए कोई बुरा ना माने जो भी देख रहा हो, है सवाल है जवाब देने हैं मुझे। चलिए आमिर लियाकत की निकालेंगे फिर। आमिर लियाकत साहब की तस्वीर आप देखना चाहती हैं रोज सुबह? नहीं नहीं चाहती, आपने कहा मजबूरी है, आपने चूज किया ना उनको। बस कर लिया फिर। ठीक है, आमिर लियाकत साहब आपकी डॉक्टर साहब तस्वीर होगी जिसको वो देखना चाहती है रोज। ये बताइए इतनी जल्दी शादी क्यों की? और शो पे जा रही हैं। अच्छा, गाड़ी खुद ड्राइव कर रही हैं। आप ड्राइव कर लेती? नहीं मुझे नहीं आती ना ड्राइविंग। अरे चलें, आपके साथ ड्राइवर है, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, आप अगली सीटें बैठी हुई हैं। ओके, आपकी गाड़ी में पीछे तीन सीटें बाकी रह गई हैं। ओके, कौन होंगी वो तीन खवातीन जिनको अपनी गाड़ियां बैठा के लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं सज्जल अली, सबा कमर, मावरा हुसैन और महवेश हयात। सज्जल एक, मावरा दो, सबा। किसको छोड़ा आपने गाड़ी से बाहर? वो महवेश को। महवेश हयात साहब आपको गाड़ी से उन्होंने बाहर छोड़ दिया है, आप इनकी गाड़ी में साथ नहीं जा सकते। ये बताइए इनमें से किसके साथ एक साल में काम करना चाहेंगे, किसके साथ दो साल में काम करना चाहेंगे और किसके साथ काम ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान, अली जफर, फहद मुस्तफा। किसके साथ एक साल में काम करना चाहेंगे? फवाद। किसके साथ दो साल में काम करना चाहती हैं? फहद। और किसके साथ ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ा? कोई गल नहीं, नाम लेना जरूरी है। जो बचा बेचारा अली, अली जफर के साथ आपने इंतखाब किया आखिरी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरा किसी और को दे सकती है, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं अहमद भट्ट और यासिर हुसैन। अहमद भट्ट। और यासिर हुसैन को आपने लाइफ जैकेट नहीं दी? नहीं। ठीक है, हाँ। कोई खास वजह? नहीं कोई वजह नहीं, ऐसे कोई वजह नहीं। यासिर हुसैन साहब आपको लाइफ जैकेट नहीं मिलनी, बस यासिर हुसैन साहब दे देने, वो तो एडे मोटे ने, उन्होंने डुबड़ा ही नहीं बस। नहीं मगर उनका फैसला है, उन्होंने फैसला किया है कि वो नहीं ऐसा करना चाहती। ठीक है, हाँ। जहाज में फ्लाई कर रही हैं, सात वाली सीट खाली थी, 13-14 घंटे की फ्लाइट है और आप देखती है कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम साथ बैठ जाएं। इनमें से किसको जहाज में अपने साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं इकरा अजीज और हानिया आमिर। हानिया। हानिया को आपने अपने साथ बिठाया, कोई खास वजह? She's too cute. मैंने काम भी किया उसके साथ, बड़ा मजा आता है। वाह वाह वाह, इकरा अजीज आपको जगह नहीं मिली है? नहीं, तुमने क्यूट हो, कहां दोनों के साथ किया मैंने काम, लेकिन आई डोंट नो निकल गया मुंह से यार, माफ कर दो। आपने इकरा के साथ भी काम किया? हाँ, दोनों के साथ किया। अच्छा, इकरा अजीज के साथ काम किया हुआ, हानिया आमिर के साथ भी किया हुआ, लेकिन आपको क्यूट जो है वो हानिया आमिर लगी है ज्यादा। She's funny. I like funny people.
हानिया आमिर, आप बहुत क्यूट हैं और आप बहुत फनी हैं। इकरा अजीज, आप में ये दोनों क्वालिटीज इनको नजर नहीं आई हैं, जिसकी बनिस्बत इन्होंने फैसला ये किया है कि me, please, आप हेट ना करिएगा इस बात पे कि आप क्यूट और आप ज्यादा फनी नहीं हैं। मगर यार आपका मतलब जिन्हें तुम तस्दीक कर रहे हो ना, तलवार लेके आए हो। नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उनको नहीं लगी ना क्यूट और फनी। अच्छा, अगले सवाल पे जाए ना। अगले सवाल पे क्या जाना है? आपने पीछे एक जगह इनको सीट नहीं दी क्योंकि वो फनी और क्यूट नहीं है, और यासिर हुसैन को आपने डबो दिया। ठीक है, तो इकरा और यासिर आप लोगों को जहां मिलेंगी आप लोगों खुद इनसे बात करनी है, और इकरा आपने कोशिश करनी है कि आप फनी लगें, और यासिर आप तो डूबी चुके हुए हैं। बहुत सारी तालियां इनके लिए। दलीप साहब, जी सर, ये बता दीजिए इनमें से कौन बहुत अच्छा है, कौन अच्छा है और किसके बारे में कहेंगे कि चले अगला सवाल कर लें? ठीक है, ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं नोमी अंसारी, अमीर अदनान और एच एस वाई। तो कौन इनमें से बहुत अच्छा है? कोर्स मेरा बेस्ट फ्रेंड है HSY, तो HSY, सबसे अच्छा। ठीक है, कौन नोमी अंसारी सेकंड पे? अच्छा, और अमीर अदनान को मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। तो आपने कहा अगला सवाल करने को। अगला सवाल ठीक है, अमीर अदनान साहब आपको लास्ट कैटेगरी में रखा गया है। इनमें से किसके साथ डिनर की ऑफर है तो फौरन कबूल करेंगे, किसके साथ डिनर की ऑफर है तो कहेंगे कि महीने बाद देखते हैं, और कौन सी ऑफर है तो फौरन ही रिजेक्ट कर देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं हिना अल्ताफ, इकरा अजीज और हानिया आमिर। तो किसके साथ ऑफर है तो फौरन कबूल कर लेंगे? इकरा अजीज के साथ, क्योंकि मैंने काम किया है। ठीक है, किसके साथ ऑफर है तो कहेंगे कि महीने बाद देखते हैं? हानिया में। और कौन सी है जिनको आपने कहा कि बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दिया? हिना अल्ताफ को मैं जानता हूं। हिना अल्ताफ आपको नहीं जानते, इसलिए बड़ी अच्छी सोनी फनकारा माशाल्लाह। बिल्कुल, ये बताइए कार रेसिंग में है आप, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, साथ में एक आपके हमेशा कार ड्राइवर होता है जो कि आपको मोटिवेट कर रहा होता है और रास्ता बता रहा होता है, इनमें से किसको मोटिवेशन के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और शीरी मजारी। खैर, मैं दोनों को नहीं, मैं खुद ड्राइव करना चाहूंगा, लेकिन चलें फिरदौस आशिक अवान को बिठाएंगे साथ, जरा सवाल जवाब भी हो। फिरदौस आप आपके साथ बिठाना चाहते हैं मोटिवेशन के लिए? उन्होंने पूरे रास्ते तक यही कहना, शर्म नहीं आई ये पैंट फटी हुई पहनने की। इनमें से किसका फोन है तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन है तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन है तो अपना फोन बंद करके आप साइड पे रख देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं इमान अली, सिबल चौधरी और नूरे भट्टी। तो किसका फोन है तो फौरन उठाएंगे? अच्छा फंसाया आपने, आपके पास ऑप्शन मौजूद है जनरल नॉलेज वाले। ठीक है, पहले नंबर पे इमान जी, इमान जी का फोन फौरन उठाएंगे क्योंकि मेरे दोस्त की बीवी है। अच्छा, आपके दोस्त की बीवी है इसलिए उनका फोन फौरन उठाएंगे। ये मैसेज पे जवाब आप दे रहे हैं नूरे भट्टी को? नूरे भट्टी को, और सिबल आपकी दोस्त है इसलिए उनका फोन आप बंद करें। वो मैं संभाल लूंगा, उन्हें वो संभाल लेंगे। सिबल आपका फोन आए तो ये बंद करके साइड पे रख देंगे क्योंकि दोस्तों के साथ ये ऐसा करते हैं कि उनको संभाल लेते हैं। और सिबल अभी अमेरिका चले गई है तो वो देख नहीं सकती है मैंने क्या कहा। अमेरिका कड़ी लोड शेडिंग होती है, उसे भी टीवी चल देने। एग्जैक्टली, मगर ठीक है। ये बताइए आप भी जहाज में है, साथ वाली सीट खाली है, देखते हैं कुछ लोग आगे हैं, 13-14 घंटे का सफर है, किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शन आपके पास है किरण मलिक और सबीका इमाम। किरण मलिक को बिठाना चाहते हैं, सभी का इमाम को अपने साथ नहीं बिठाना चाहेंगे अपने? बता दें फिर, डूबती कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट आपके पास, एक आपको अपना दूसरा किसी और को दे सकते हैं, इनमें से किसको लाइफ जैकेट देकर उनकी जान बचाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं इमान अली और HSY। ऑफ कोर्स शेरू को, भाई के आगे तो कोई नहीं है ना। ओए भाई के आगे आपने भाभी डबो दी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है इमान अली, आपका फोन चाहे वो सुन ले, लेकिन HSY को बचाना बहुत जरूरी है। इमान जी ये माफी है मेरी तरफ से। केडे प्यार ना कह रहे हैं इमान जी, एडे प्यार ना तुसी अम्मी जी को बोलते जल्दी नहीं, मगर जो भी है उन्होंने हसन आपका इंतखाब किया है और आपको बचाना चाहते हैं वो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिंगिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, व्हाटएवर एंड व्हिचएवर थिंग यू कैन एंजॉय। आपको बहुत बहुत शुक्रिया विली, बेस्ट ऑफ लक, एक्टिंग शुरू करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको जल्द देखें बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी, जहां पे हमें आपकी फिजिक के लड़के भी नजर आना शुरू हों और हमारा बाकी लोगों से छुटकारा हासिल हो जो नॉर्मल शक्ल के मेरे ऐसे लड़के आपको नजर आ रहे होते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू करियर्स। डीजे भाई आ जाए फिर।